मेरे चैनल पे 500 फैमिली हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अजीज और आप अभी देख रहे हैं सुपर ब्लॉग 91। तो गाइज, आज की ब्लॉग में आपको दिखाने वाला कॉर्नेस, जो कि कॉर्नेस का ये थर्ड पार्ट है, और जो मैं पहले भी आपको बताया था कि कॉर्नेस बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है। एक ही वीडियो में आपको नहीं दिखाता था क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये पार्क है अमरेला पार्क, जो कि अमरेला नाम से ये पार्क को जाना जाता है। जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है कॉर्नेस का, जो कि कॉर्नेस काफ़ी फेमस जगह भी है। तो गाइज, ये जगह आपका हो गया, ये मेट्रो का जगह है, जो कि मेट्रो से आप निकलते हैं तो सीधा ये पार्क में आते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए ये वाले ब्लॉग में। देखने में थोड़ा पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी ये अच्छा है। लेकिन जब ये नेशनल डे आता है 18 दिसंबर कतर का, तो ये काफ़ी अच्छा बना देता है। लेकिन अभी पहले के जैसा अभी अच्छा उतना नहीं लग रहा है, फिर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह और क्या क्या इसके अंदर बनाया है। तो चलिए कंटिन्यू बने रही ये वाले ब्लॉग में। दोनों साइड है, वो पीछे की तरफ भी है और ये साइड भी, तो चल के देखते हैं आगे क्या क्या है। तो सामने भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा दिया गया, जो कि ऊपर में छाता दिया गया जो अमरेला है। तो देख रहे हैं आप कि ऊपर में दिया गया अमरेला, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और ये डब्बा में, जैसे कि डब्बा में मट्टी रख के और जैसे घास उस दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा अभी भी लग रहा है। देख रहे हैं अभी कि पीछे तक देखिए कितना लंबा में आया था चल के, अभी जो कि आधी रोड में छोड़ दिया इसको। देखिए इधर भी है और इधर भी है, सभी जगह में ये अमरेला, तो सभी जगह लगाया अमरेला, तो पार्क का नाम दिया गया इसीलिए अमरेला पार्क। ये वाले ब्लॉग में पार्क के साइड से देखिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन लग रहा है, देख रहे कितनी अच्छी है, देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जो कि पहले मैं आपको दिखाया हुआ था अंदर से, अभी ये देख रहे हैं सारे एरिया बाहर से। और जो अभी ये देख रहे हैं साइड में, ये बैठने वाला जगह दिया गया है, देख रहे हैं ये बैठने वाला जगह दिया गया है, जो कि वो दूसरा साइड भी है। और दोनों साइड ये पार्क है, ये बीच में जो कि मेट्रो के लिए दिया गया है। सामने में अभी देख रहे हैं आप कि गाछ उछी भी लगा दिया गया है, जो कि ट्री है, काफ़ी अच्छा है देखने में लग रहा है। ये भी अभी सारे ट्री अभी छोटे हैं, तो काफ़ी अच्छा उतना नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और जब ये 12 हो जाएगा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो और भी अच्छा लगेगा। जिम के लिए, दौड़ने के लिए आप आते हैं ये पार्क में, तो ये बैठने का जगह भी दिया गया है, जो कि मैं अभी बैठा हूँ। बहुत जगह बनाए गए हैं ऐसे ये वाले एरिया में, जो कि आप अगर थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो आप बैठ सकते हैं।
रहे हैं आपकी, मैं पहले भी आपको बताया था, तो ये पहले वाले में मैं गया था और ये पीछे है जो कि सेम ही है, और ये दोनों तरफ रोड जगाया है तो दोनों तरफ गया दिया है, उधर भी और ये साइड में भी दिया गया है, तो सेम ही चीज़ है जो कि काफ़ी बेहतरीन मेरे को लगा। कमेंट करके आप सभी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। देख रहे अभी कि मैं दूसरा साइड हूँ, और दूसरा साइड भी देखिए ये बैठने वाला दिया है। आप ये पार्क में दौड़ने के लिए हुआ, कुछ जिम करने के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, अगर थक जाते हैं तो ये सारे सिस्टम दिया गया है कि जो आप बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ें सब है, बेहतरीन लगा मेरे को। सामने में देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि बीच बीच में थोड़ा क्वालिटी जैसे कि ट्री का, कुछ फूल का अलग अलग चीज़ दिया गया है ये वाले पार्क में। और जो ये सामने में अभी देख रहे हैं आप, ये बैठने के लिए दिया गया है जो कि पब्लिक आकर इधर भी बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेहतरीन चीज़ें सब बना के दिए हैं, तो देख रहे हैं सामने में कि ये वाले जगह काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि अगर धूप ज़्यादा हो तो आप थोड़ा बैठ के इधर रेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ठंडा का महसूस कर सकते हैं। और ये सामने में जो भी आप देख रहे हैं ये बकाला के लिए दिया गया है, बट इधर कुछ भी अभी ओपन है या नहीं है मालूम नहीं है, बट अभी बंद है। पीछे की तरफ देख रहे हैं ये समुंदर है, जो कि अभी रोड बन रहा है तो ये पार्क घेरा गया है, तो मैं आपको वो साइड में जाके नहीं देखा क्योंकि बहुत आगे जाना पड़ेगा, तो चलिए उतना टाइम नहीं क्योंकि शाम भी हो गया है। तो देख रहे हैं आप कि ये साइड में खजूर का पेड़ सब सारे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता अगर ये वीडियो में ज्वाइंट कर लेता वो चीज़ को। तो रोड बंद है और मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा, और मैं बताया था पहले भी आपको कि मैं सिंगल हुआ क्योंकि कोई आदमी नहीं है मेरे साथ, कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं आज बस निकल गया था रूम से अकेला। तो देख रहे हैं आप कि ये पीछे की तरफ ये पार्क है जो कि दोनों साइड में आपको दिखाया था, तो चलिए कंटिन्यू बन रहिए ये वाले ब्लॉग में। देख रहे हैं कि फैमिली लोग आने का चालू हो गया, जो कि शाम हो गया है कतर में भी, तो बहुत ही फैमिली लोग इधर आता है जो कि वॉक करने के लिए और दौड़ने के लिए भी आते हैं, जिम भी करने के लिए इधर आते हैं, जो कि आपको पूरा एरिया में दिखाई दिया लगभग यही है कॉर्निस का अमरेला वाला पार्क यही है, जो कि ये पार्क का नाम है अमरेला। तो जो पार्क अभी आप देख रहे हैं ये सिटी सेंटर की तरफ से है, जो कि काफ़ी बेहतरीन पार्क है और काफ़ी अच्छी चीज़ें सब जगह जगह पर दी गई है, जो कि मेरे को अच्छी लगी इन्हें का, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे पहले वाले वीडियो देखिएगा और अभी वाले वीडियो देखिएगा, जो कि ये 24 ब्लॉग हो गया है, जो कि ये 24 नंबर का ब्लॉग है आज, तो मालूम है कब अपलोड होगा, लेकिन अभी आज 1 तारीख है अगस्त, तो देखते हैं कब अपलोड होता है आपके पास कब आता है। तो ये 24 नंबर ब्लॉग है जो कि पहले की ब्लॉग में और अभी के ब्लॉग में आप तो अंतर समझ ही जाएंगे, जो कि काफ़ी चीज़ें बदलाव आई है, जो कि बोलने के तरीका और वीडियो में क्या क्या कौन जगह पे क्या दिखाना चाहिए और कैसी बोलनी चाहिए, ये सारे तो आपको अंतर दिख ही जाएगा। लगभग मेरे 500 फैमिली हो गया है, जो कि आपको 1K हो जाएगा तो आपको प्लेस भी कर दूँगा और सब्सक्राइबर, जो कि आप अभी नहीं देख सकते क्योंकि हाइड करके मैं रखा हूँ सब्सक्राइबर, 500 का फैमिली जुड़ गया है हमारे यूट्यूब पर। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि आपको मालूम है कि बार बार ट्रैवल्स करना पड़ता है और टाइम निकाल के हमेशा घूमना पड़ता है और वीडियो शूट करना पड़ता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप वॉच कर पाए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।